हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द पेन ओवर में। तो आज मैं बहुत ही अच्छे पेन रिव्यू के साथ आया हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कैमलिन एलिगेंट फाउंटेन पेन। बताऊँगा इसके प्रोज एंड कॉन्स, चार प्रोज है और एक कॉन है, और बताऊँगा इसके कुछ ओवरव्यू दूँगा और राइटिंग सैम्पल दूँगा, और बताऊँगा कि किस तरह के राइटिंग राइटर्स के लिए अच्छा है, और साइज़ कंपेरिजन भी करेंगे दो तीन पेन से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। तो आपको मैं इसके कैप के क्लिप के क्लोज़र लुक दे देता हूँ। कुकुयो कैमलिन की ब्रांडिंग है और यहाँ पे कैमलिन एलिगेंट मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ, देख सकते हैं कैमलिन एलिगेंट। और ऊपर आपको एक क्रोम सेक्शन मिलेगी। ये तो इसकी कैप पूरी मेटल की है, बट इसका बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी है। अंदर आपको एक रिंग मिलेगी जो कि पेन की खूबसूरती को थोड़ा सा निखारने की कोशिश की जाती है। और ग्रिप सेक्शन कुछ इस टाइप का है, निब है कैमलिन टिप फाइन, इसमें इंग्रेव की गई है। और ऊपर आपको सबसे नीचे आपको ये क्रोम सेक्शन मिलेगा। तो ओवरव्यू में एक चीज़ और रह गई, वो है इसकी कन्वर्टर। कन्वर्टर एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कन्वर्टर है और काफ़ी सही काम करती है, पुश टाइप कन्वर्टर है और काफ़ी चीप क्वालिटी की है। ये पेन 200 रुपये का है, तो आराम से कोई भी मिडिल क्लास का जो बच्चा है वो भी ख़रीद लेगा, और अपने पॉकेट मनी को सेव करके अगर या फिर उसे ये पेन चाहिए तो। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सभी को हक है कि वो अपने पेन की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जाने। तो इसका पहला प्रो है वो है इसका निब। निब काफ़ी अच्छा राइटिंग एक्सपीरियंस देता है और लिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा सा फीडबैक ही है क्योंकि एक फाइन निब है, ज़्यादातर फाइन निब फीडबैक ही होते हैं, और ये भी वैसा ही है, बट जो राइटिंग एक्सपीरियंस देता है वो काफ़ी सही है। अगला प्रो है इसका ग्रिप सेक्शन। इसका ग्रिप सेक्शन काफ़ी सही है जो कि बड़े से छोटे हाथों के लिए एकदम फिट बैठ जाता है। अब आपको अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस टाइप का ग्रिप सेक्शन पसंद है या फिर प्लेन ग्रिप सेक्शन पसंद है। मुझे तो ये अर्गोनॉमिक टाइप का ग्रिप सेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है और पकड़ने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसका वेट बैलेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लंबे समय तक लिखना है तो एक पेन का वेट बैलेंस अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका वेट बैलेंस काफ़ी अच्छा है, अगर आपको इसके कैप को लगा देते हैं तो भी ये अच्छी तरह से बैलेंस्ड होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और कैप को निकाल देते हैं, पीछे पोस्ट करके नहीं लिखेंगे, तब भी आपको काफ़ी और भी हल्का फील होगा। और चौथी पॉइंट है इसका जो बॉडी काफ़ी वेल कंस्ट्रक्टेड है और काफ़ी हल्का है, जो कि आराम से आप कहीं भी इसे इजीली एवरीडे कैरी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते एक कॉन के बारे में, जो कि इसका एक ही कॉन है, और भी कुछ कॉन्स हैं नहीं। अगर आपको कुछ इसमें कमी और लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे सिर्फ इसमें एक ही कमी लगी, वो है इसका कन्वर्टर का जो इंक रिजर्वायर है काफ़ी छोटा है, मुझे इसे बार बार रिफ़िल करना पड़ता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इस पर आप दूसरा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कन्वर्टर लगा सकते हैं आप ख़रीद कर, तो ये आराम से आपके लॉन्ग राइटिंग सेशंस में काम आ जाएगा। पर ऐसे जो इस छोटे कन्वर्टर को आप ज़्यादा देर तक लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार अपने पेन को रिफ़िल करना पड़ेगा, और वो मुझे पसंद नहीं है और काफ़ी राइटर्स को पसंद भी नहीं आती है। तो मेरे पास एक कन्वर्टर है जो कि मैं इसमें लगा दूंगा बाद में। तो अब चलते हैं हम एक क्विक राइटिंग सैंपल की तरफ। सॉरी, राइटिंग सैंपल से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। मैं इसके डाइमेंशंस तो बता नहीं पाऊँगा अभी फ़िलहाल, बट कुछ और पेन्स के साथ मैं इसको कंपेयर करके दिखा सकता हूँ, जिससे कि मेरे पास से पार्कर वेक्टर थोड़ा छोटा है इससे, आप देख सकते हैं विड्थ में भी और लेंथ में भी। ये है
लग्जर फॉर्मलेस, काफ़ी अच्छा पेन है, लग्जर इंग्लैंड की तरह ही है। ये है, आप देख सकते हैं, लग्जर पायलट हाईटेक पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे आता है पार्कर बीटा, तो पार्कर बीटा सबसे लंबा है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं एक क्विक राइटिंग सैंपल के बारे में। चलिए लिखते हैं इससे कुछ। इंक मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ पायलट ब्लू, काफ़ी सही इंक है और पार्कर की तरह ही है, कुछ मामलों में पार्कर से भी अच्छी है। सॉरी, मैं आपको बताना यहाँ पे लिखना भूल गया कि ये एक स्टील निब है और फाइन निब है, स्टेनलेस स्टील फाइन निब। ये निब थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना फ्लेक्स कर पाता है, पर आप इसे ट्राई ना कीजिएगा क्योंकि हो सकता है निब बेंड हो जाए। मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, ये नॉर्मल राइटिंग विथ मिनिमल प्रेशर, जैसे कि मैं लिखता हूँ नॉर्मल प्रेशर से, और ये मैंने थोड़ा प्रेशर दिया है, तो ये इसमें डिफरेंस है। ये एक स्टेनलेस स्टील निब है तो बेंड हो सकता है, क्योंकि निब जो है काफ़ी पतले स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। देख सकते हैं आप ये कितना पतला है, तो बेंड बहुत ईजिली हो जाएगा, तो प्लीज़ ज़्यादा इसे पुश ना कीजिएगा। इसे वेटनेस के मामले में ये एक मॉडरेटली वेट पेन है, रिवर्स राइटिंग। रिवर्स राइटिंग में भी अच्छा लिख रहा है, पर स्किप कर गया था, और ऐसे फ्रंट में तो काफ़ी सही लिख रहा है। तो क्या ये वर्थ इट है 200 रुपये में, वर्थ इट है या नहीं, और किस तरह के राइटर्स के लिए ये अच्छा रहेगा? तो 200 रुपये में ये बहुत ही अच्छा चॉइस है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। आप पार्कर पसंद नहीं है तो आप इंडियन ब्रांड्स ख़रीदना चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो, 200 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है। और किसके लिए है, तो स्टूडेंट्स के लिए है, 5 to 12 आराम से आप इसे ख़रीद के स्कूल ले जा सकते हो, कोचिंग क्लासेस ले जा सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, कन्वर्टर आपने इसका बदल लेना है, वरना स्कूल में बीच में लिखते लिखते इंक ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको परेशानी होगी। और आपके पास अगर कन्वर्टर नहीं है तो इसके साथ एक और दूसरा पेन ज़रूर ले जाना, ताकि अगर इसका इंक ख़त्म हो गया तो आपको मुश्किल ना हो। तो ये रहे इस पेन के बारे में कुछ बातें, और आशा करता हूँ आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मैं और भी इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।